उम्मीद है पंजाबी जी करना वा दूसरा मैं गन्ना चुपना वा तो मेरे बलॉग भी करना एक मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं सही गल्कुल मेरे शगीर्द भी है स्टूडेंट भी है माशालाफियान भाई हांजी सुफी साहब क्या हाल है आपका हां जी अलहमद ला

फुल ट्राई करनी है आज अच्छा जी तो नाइन्थ में तूने क्या रखा है बायो रखी कंप्यूटर कम, केमिस्ट्री क्या है बायो बायोलॉजी पहले चैप्टर का नाम बता नवी के हले रखनी है नवी चीज <laughs> तो? है ना कि नवी से लिए ना होया नहीं तू अब जो 8वीं पढ़ के आया है पेपर होने लग गया अच्छा जी अच्छा आठवीं में तूने मैथ पढ़ा है ना माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस ये बंदा जो है ना मैथ एक्सपर्ट हमारे बुला लिया है अच्छा क्या प्लान है बायो रखेगा इन के मेडिकल में जाना है चलो सही है इनशाला माशाला जी ये जी हमारा गन्ने का खेत ये आप लोगों के सामने है माशाल्लाह वो कमा छील रहे हैं तो इनशाला लेते हैं जी सुफियान भाई ने ना एक बात पूछी है हम लोग चलते आ रहे थे कहते हैं जी वो जो गन्ने हैं वो क्यों खड़े हैं मैंने कहा वो बीज रख लिया है बीज अगले साल का तो अगले साल इसको बीजेंगे कहता जब बीजेंगे फिर ये इतना सारा खेत भर जाएगा मैं क्या हाँ जी तो कहता यार मैं क्या अलहमद लाला ये अल्लाह का शुक्रअ बाग में फरमाते नहीं है कि जब तुम इस बीज को बो देते हो तो कौन इसको उगाता है तो ये कुरान पाक में अल्लाह ने यानी इस बच्चे ने सवाल किया तो मेरे जहन में वो बात आ गई ये बड़ी कीमती बात है तो सुफियान सॉरी मैंने उर्दू में बात कर दी है लेकिन बात बड़ी कीमती थी आ जाए जी आ जाए ये है जी माशाल्लाह ये वाला जो है इस तरफ ये मुकम्मल हो गया है जो मैं आपको अभी बता रहा था जिसका बीज बीज के लिए सिर्फ बीज खड़ा है उसका यानी इसको अब बीजेंगे यानी दोबारा इस जमीन को नरम करके ये पूरा का पूरा खेत है ये माशाला हमारे दोस्त हैं और हमारे अंकल भी हैंकुम सलाम जी की हाल चाल है और सुनाओ ये। ये वन ये कमाद जो होता है ना गाइस इसको सुबह को आके पहले छील देते हैं यानी अब जैसे खड़ा है ना इन्होंने एक दिन में डिसाइड कर लेना है हम लोग ने कितना छीलना है उसको शाम को जाते वक्त मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाई है कि उसके अंदर बताया हुआ है तो इसको यानी कि वो होता है इनके पास बुगदा टाइप ना उसके साथ टोका बोलते हैं उसको आई थिंक तो उसके साथ मार मार के सब को गिरा देना है ये जैसे लाइन लगी हुई है ये जो ये अब छीलते आ रहे हैं सारा गिरा जाना है शाम को जाते वक्त सुबह को आके सिर्फ छीलना है ਸਿਰਫ ਛੀਲਣਾ ਹੈ ਕਾਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਦੇ ਵਕਤ ਕਾਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਸੁਵੀ ਲੈ ਆ ਚਲਾ ਜਾ ਨਾ ਇਧਰ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਏਕੜ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਨੀਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਕੋ 15 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁੱਕਾ असली नेचुरल जो ब्रांड है ना वो है जी माशाल्लाह अभी आपके दोबारा दिखाते हैं जी फैन साहब ने मेरा भी ले लिया साहब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह व अला बार्ला ये पढ़ा करें आप लोगों ने पहले भी पाया था तो शुरू करो फिर इंशाल्लाह रिव्यू देना है आप इंशाल्लाह बैठ के खाते हैं रुक जाओ एक मिनट भाई एक बड़ी कीमती बात पता चली है तो वो ये कि मैं क्या अंकल जी मैं ना इसको बोलता होता हूँ जी ये गंद ਇਹ ਸੀਨ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਸਬਾਤੋਂ ਕੋ ਭਈ ਅੱਜਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਗਾੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਸਲੋ ਕਾਛੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਾਂਸਾ ਚੁੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਪਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਤੇ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ टाइम जया ना होफियान साहब को अपना रिव्यू लेना वा बस आप डेरे पहुंच ना ले माशाला तो गई आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कमाद छीलना है ना कमाद को छीलना ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है एग्रीकल्चर के अंदर वन ऑफ द टफेस्ट जॉब क्योंकि सारे के सारे कमाद को गन्ने को साफ करना है और ट्रालियों के ऊपर आप लदे हुए ट्राले बड़े बड़े देखते होंगे आजकल हर जगह वीडियो फेमस हो रही है देखो वो बिल्कुल साफ होता है उसको छीलना ये इतना इतना क्योंकि सारा के सारी कांड टोके एक से बैठ के ना और वजनी काम है काम भी वजनी है ये भी अजीब ही यानी कि कंड वाला काम भी है, पत्तों वाला काम है और काम भी गन्ना इतना सारा पानी है ये सारा का सारा गन्ने में पानी होता है आपको पता है इतना वजनी काम है सोभी साहब अपने पीछे पीछे आ रहे हैं खाड़े के ना आप डेरे पहुंचने वाले हैं माशाल्लाह तो इनशाला आपको दिखाते हैं सब्जी पीछे लगी हुई है और ये माशाल्लाह सारे के सारे शिमला कद्दू खीरा इनशाला सोन इनपे भी बहुत जल्द डिटेल व आ रहा है तो ये कमाद छीलना आसान काम नहीं है और ये हर बंदा कमाद का जो इसको कहते हैं कमाद का छीलना यानी जो बंदा छीलता है उसके लिए एक वर्ड बोलते हैं प्रॉपर ये नहीं मिलते ये बहुत बहुत कम लोग ये काम करते हैं उतना ही नहीं है इतना मुश्किल है इसमें पैसे भी अच्छे बन जाते हैं वैसे अच्छा जी सुफियान साहब की ख्याल है फिर आज है वे? की? की है आला फिर दिखाओ कि चो पिया वा भाई मेरा मसला इना काफी पिया तो इना अच्छा तुम सीखा कैसे है वैसे छेल के दिखा था बैठ जा इधर बैठ जा इधर बैठ जा अलग बंदे बैठ देखते हैं डेरा आ गया माशाल्लाह ये जामुन लगी है सामने लास्ट टाइम जैसे जामुन तोड़े भी थे इतने सीखा कैसे मुझे ये बता प्पा ने दसिया साल आया तो पहले कैसे छील थाने गई अक्सर लोग इससे भी सी लेते है हमेशा दाँत जो ना ये, ये, ये आपकी दाढ़ के साथ मैंने आपको मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा की शुगर कैन के ऊपर मुकम्मल रिव्यू उसमें मैंने सिखाया हुआ है कैसे आप लोग जो ना गन्ना चीला करे उसमे और सुफियान जायका बता टेस्ट बता और कैसा लग रहा है ये चीजे भी बता ਇਨਾ ਠੰਡਾ ਗੰਨਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹਨ ਕੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਨਿਮਤ ਆਈ ਹੈ ਅਭੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਥਾ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਨੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਤਾਏ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇੜਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਨਿਮਤ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਹੁਣਾ ਨੇ ਨਾ ਵੇਲਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕਮਾਦ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਦੋ ਮਾਲਟੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜੀ ਲੱਭਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋ ਹਣੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਦ ਵੱਢ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਲਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਤੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਹੀ ਲਤਫ ਲੈਣਾ ਵਾ एस्ट आ मैं अंकल जी जरूर मैं तो खुद ढूंढ रहा था अब जो ने एक दो फ्लॉक करने लोग गुड़ बनाते हैं कैसे बनाया जाता है तरीके के साथ तो उन्होंने बता दिया है इसी के साथ इजाजत दीजिये बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह मैं सूफी को बता रहा था की हर बंदा गन्ना चूप रहा है वो बाबा जी देख जाने लगे है और चले गए तो हर बंदा माशाला गांव के अंदर जो है ना गन्ना चूस रहा है वो सामने लड़का बैठा है वो भी गन्ना चूस रहा है जो भी बंदा आता है उसके हाथ में गाँव के अंदर गन्ना आपको जरूर नजर आएगा ये नेचुरल गजाएं गैज आप लोग भी खाया करें और इनको छोड़ा ना करें मिस ना किया करें जब भी इस तरह का मौका मिले ना गाँव के अंदर यहाँ गंडेरिया वगैरह आजकल ताजा ही होती हैं वो भी ले लिया करें इस तरह की चीजें खाया करे माशाला माशाला सुफियान साहब रूर राजी करती सुफियान साहब ने एक मुझे कहता है आपने मुझे गन्ना खिलाया आपको मैंने एक चीज खिलानी है सुफियान क्या चीज़ है वो کہتے جی کیپسینے لے کے آیا ہوں میں فیصل آباد سے تو گائز میں نے ایک دفعہ بڑے صاحب نے اس دفعہ اس نے مجھے ایک دفعہ پلائی تھی تو وہ صحیح نہیں بنی تھی اس ٹائم نیا نہ وہ بہت پرانی بات ہے سفیاںو کاواں گا نا 5 6 سال ہو گئے ہیں اس ٹائم کی بات ہے تو یہ نکاح چھڑا جاتا تھا تو انشاءاللہ وہ بندہ بھی دیکھیں لے جی وہ وہ جس کے ساتھ میں گنا پکڑا نظر آیا ہوگا اپ کو ہر بندے کے ساتھ میں سُوفی صاحب گنا ہوتا ہے تے گاؤں پنڈے دے لوگ تے اینے طاقتور hunde تے اینے مضبوط hunde ہے میں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں میرا بھی ختم ہونے لگا ہے دعوے میں یاد رکھیے گا अलैक्म